नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AS अकेडमी में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की सेकंड काउंसलिंग के दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहे हैं और साथ में वेरिफिकेशन भी हो रहा है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक प्रश्न है कि सर, जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं तो वहाँ पर सेलेक्टेड भी लिखा आता है और किसी के में वेटिंग भी लिखा आता है। अब सेलेक्टेड और वेटिंग लिखा आता है तो ये तो ठीक है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स इसको देख नहीं पा रहे हैं कि हमारे मार्क्स इतने हैं तो क्या हम सेलेक्टेड में हैं, क्या हम वेटिंग में हैं। तो इसको लेकर कट ऑफ की बात चल रही थी कि सर, कट ऑफ एक बार बता दीजिएगा, फाइनली कट ऑफ लगभग कितना रहेगा, एक एवरेज तो हमारे लिए क्लियर हो जाएगा। तो आज हम आपको इस वीडियो में SC OBC EWS और UR के भाई बहनों का गेस्ट में और नॉन गेस्ट में दोनों का कट ऑफ लेकर आए हैं, जो आपको फाइनली मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी प्रश्न आपके मन में नहीं रहेगा, सारे प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे एम्पिटेड वर्ग 3 सेकंड काउंसिलिंग कट ऑफ देख रहे हैं। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि इसको ज़्यादा मैं वीडियो बड़ा बना दूंगा तो कोई मतलब नहीं है, हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, उसको जरा समझते हैं। सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं जो हमने यहाँ पर बनाया है, मेल कैंडिडेट्स का बनाया हुआ है, नॉन गेस्ट फैकल्टी और गेस्ट फैकल्टी, इसमें महिलाओं का नहीं है, महिलाओं का इसके नीचे वाले स्लाइड में मिलेगा। ठीक है, आप देख रहे हैं कैटेगरी में UR के जो भाई बहन हैं, नॉन गेस्ट फैकल्टी वाले ध्यान से देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि 111.13 तक आप यदि नॉन गेस्ट में हैं तो आप सेफ जोन में हैं। इसके बाद में गेस्ट फैकल्टी वाले भाई बहन देखेंगे तो 102.05 तक यदि आप हैं, किसमें गेस्ट फैकल्टी वाले, तो आप सेफ जोन में हैं। OBC की बात करेंगे तो OBC वाले 105.58 तक, नॉन गेस्ट वाले और 100.59 तक गेस्ट फैकल्टी में आप सेफ जोन में रहेंगे। इसके बाद SC की बात करें तो 97.96 और 92.48 गेस्ट फैकल्टी और नॉन गेस्ट में 97.6 तक यदि आपके अंक हैं तो आप सेफ जोन में हैं, चिंता ना करें। EWS की यदि हम बात करेंगे तो EWS में 106.1 और गेस्ट फैकल्टी में 100.65 तक हैं। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये आपने मेल कैंडिडेट्स का देख लिया है, यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी और नॉन गेस्ट फैकल्टी का, ये नॉन गेस्ट फैकल्टी का है, ये गेस्ट फैकल्टी का है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो आपको परेशानी नहीं होगी, आप इसको आराम से समझ सकते हैं। और दोस्तों, इसमें थोड़ा बहुत 19-20 डिफरेंस आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कल पूरा कैलकुलेशन किया था कि वेटिंग लिस्ट में कितने कैंडिडेट्स हैं, उसके बाद किसको कितनी सीट्स मिल रही हैं और फाइनली लगभग कितने तक जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, दो नंबर का डिफरेंस आ रहा है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि पोस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है। अभी ST का भी जो रोस्टर आया है, आप लोगों ने देखा है, उसमें भी ST के भाई बहनों को सबसे ज़्यादा पोस्टें दे दी हैं। अब देख लेते हैं हम फीमेल कैंडिडेट्स का, फीमेल कैंडिडेट्स का भी आप देखेंगे, इधर पे देखिएगा, फीमेल कैंडिडेट्स की जो बात करेंगे, इसमें अनरिजर्व में फीमेल कैंडिडेट्स यानी नॉन गेस्ट वाली जो महिलाएं हैं उनको 106.82 और गेस्ट फैकल्टी में जो है 98 यानी 98.25। OBC की जो बहनें हैं इधर पे फीमेल कैंडिडेट्स में नॉन गेस्ट में 103.52 तक और गेस्ट फैकल्टी में 95.15 यानी 95.15 तक पॉसिबिलिटी है। SC में 94.62 यानी नॉन गेस्ट में और 82.26 यानी 82.26 है जो आपका गेस्ट फैकल्टी में पॉसिबिलिटी बनती है। EWS की बात करेंगे तो EWS में आपका 104.28 और 96.57 ये आपका गेस्ट फैकल्टी में पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही है। तो दोस्तों, आपको ये कट ऑफ को लेकर मुझे नहीं लगता कि आपके मन में कोई डाउट हो, इसमें मैंने बताया लगभग पॉइंट पॉइंट लगा के ये बताया, थोड़ा बहुत 2-3 पॉइंट का डिफरेंस कहीं आ जाए तो बड़ी बात है, इसके बाद पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि दोस्तों, जो पदों में वृद्धि हुई है, कह सकते हैं कि संशोधन वाली लिस्ट आई है, उसमें कोई ज़्यादा हेरफेर हुआ नहीं, जिसके जितने पद थे 5-5, 10-10 पद इधर उधर कर दिए, उन्हीं कैटेगरी में बाकी कुछ भी नहीं हुआ, जिसके जितने थे उतने ही हैं, ये तो सरकार ने सिर्फ लॉलीपॉप दी थी। लेकिन दोस्तों, यदि 51,000 पद हो जाते हैं तो आप सभी को फायदा होगा और 100% सभी को ज्वाइनिंग मिल जाएगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, और अब आपके मन में कोई प्रश्न नहीं रहेगा। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि परेशान ना रहें कट ऑफ को लेकर, ये जो
मेरे पास था डेटा, मैंने आपको बता दिया है और अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए वीडियो को शेयर कीजिएगा, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम डेली न्यू वीडियोज़ और न्यू अपडेट्स आपके लिए लेकर आते हैं। इसलिए सब्सक्राइब के बटन पर जरूर क्लिक करें।